हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीएस सुमित पारो और आप सबका वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो में हम फटाक से देखेंगे कि आप आपका पैन कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसके खातिर आपका पैन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। यस, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो देखते हैं ये स्टेप्स फटाफट कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले तो ये आपका आधार बेस्ड पैन है आपके लिए, इसके लिए आपका आधार नंबर आना काफी जरूरी है। आपका आधार नंबर यहाँ पर होना चाहिए तो ही आप इस तरीके से 2 मिनट के अंदर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया, इनकम टैक्स इंडिया की आप वेबसाइट पर चले जाइए। यहां पर आपको गूगल में सबसे पहले जो लिंक दिखे आप उसको क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये इनकम टैक्स का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप राइट साइड में देख सकते हो इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो ओपन होते से ही आपका पे देखना है, आपके पे पूरा जो स्क्रीन रहेगा यही रहेगा। इसमें पे जो आपका गेट पैन का ऑप्शन है, आपको गेट पैन के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी 5 अलग अलग स्टेप्स दी हुई है, ये 5 स्टेप्स को आपको फिल करनी है। एकदम सिंपल स्टेप्स है। जैसे पहली स्टेप है उनका, आपको आपका जो आधार नंबर है वो आपको आधार नंबर पे इंसर्ट करना है, और जो कैप्चा कोड है आपको इंसर्ट करना है, और उसके बाद आपको आई कन्फर्म दैट पे क्लिक करना है। आधार नंबर वैसे डालिए प्लीज, और फिर आई कन्फर्म के ऊपर आप कैप्चा कोड डाल के क्लिक कर दीजिए, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओगे। अब आपको क्या होगा, तो आपका वैलिड होगा ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, और वो मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपके आधार नंबर पे आपने दिया था, रजिस्टर किया था। तो जो भी आपने आधार नंबर पे रजिस्टर किया था वो मोबाइल कृपया अपने पास में रखिए, उसके ऊपर जो ओटीपी आएगा नेक्स्ट स्टेप में आपको वो ओटीपी फिल करना है। लेकिन ये फॉर्म भरने के पहले आपको क्या क्या चीजें की खातिर करनी है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले कि आपके पास दूसरा कोई पैन कार्ड नहीं होना चाहिए, जो वो अपना फिजिकल फॉर्म का पहले मिलता था ना वो मिलता है, तो वही रहने दो। आप नए एक से ज्यादा पैन कार्ड आप रख नहीं सकते हो, रखे तो वो गुनाह है, ये आपको हमेशा याद रखना। ओके, आपको पहले कन्फर्म करना आपके पास कोई भी पैन कार्ड नहीं है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, माइनर का पैन कार्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। माइनर का पैन कार्ड अगर आपको लेना है तो आप फिजिकल फॉर्म में ही ले सकते हो। तीसरी बात, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप ये फॉर्म प्रोसेस कर पाओगे। चौथी बात, इसके बाद आपके डेट मंथ जो ईयर रहेगा कोड देना है, और आपने सभी टर्म्स एंड कंडीशन जो यही है वो आपने सब वैलिडेट की ये करके आपको आई कंफर्म पे क्लिक करना है, और आपको ओटीपी जनरेट होगा, वो ओटीपी आपको डालना है। जैसे आप ओटीपी डालते हो आपको आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स वैलिडेट करनी है, आपको डिटेल्स आपकी दिख जाएगी जो आधार कार्ड पे रहेगी वो सब आपको वैलिडेट करनी है। उसके बाद आपको एक और एक ओटीपी आएगा, एंड उसके बाद आप फाइनल कंफर्म जब करोगे आपका गेट पैन के बटन पर क्लिक करो, आपको आपका पैन मिल जाएगा। अभी जो पैन आपको मिलेगा ये एक पेज फॉर्मेट में रहेगा, एक पेज जो हमारा नॉर्मल पेज पे प्रिंट आउट आती है ना वैसा रहता है, वैसे के वैसे आपको पैन तुरंत जनरेट होकर मिल जाएगा, आपको आपका यूनिक पैन आईडी मिल जाएगा। ओके, क्योंकि आपका 10 डिजिट का नंबर रहेगा, आपको सब इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहेगी। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ तो भी FAQs दिए, जो नॉर्मली क्वेश्चन गवर्नमेंट जो नॉर्मली सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार आपने अप्लाई किया बाय चांस अगर आपका काम पेंडिंग है तो आप गेट स्टेटस में जाके चेक भी कर सकते हो, आपका क्या स्टेटस है, क्या पैन कार्ड वैलिडेट हुआ है, क्या वो तुरंत आपको दे रहे नहीं कर रहे, जो भी आपका स्टेटस होगा आप चेक कर सकते हो। और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में वीडियो में लेना चाहूंगा, बहुत जन ये पूछते हैं सर क्या हमारे पास फिजिकल है तो ये भी हमको लेना है, नहीं फिजिकल है तो वही रहने दो, ये आप लोगे तो आप जेल में जाओगे, पैन कार्ड दो आप नहीं ले सकते हो, जैसे मैंने कहा आपको। दूसरी बात, क्या इसको सेम जगह दी हुई, यस, कोई जरूरत नहीं आपको फिजिकल फॉर्म लेने की, आप ये भी भर सकते हो ऑनलाइन, 2 मिनट में आपका पैन कार्ड निकाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं फिजिकल लेने की। इसके बाद भी अगर आपको चाहिए है आपका पैन कार्ड और वो प्रिंटेड वाला, तो उस केस में आपको एडिशनल फीस भरनी रहेगी, और फीस भर के आप वो ले सकते हो। क्या ये फ्री है? इट्स 100% फ्री, आप आराम फ्रीली ये पैन कार्ड यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। और क्या पैन वैलिड है? यस, ये पैन 100% वैलिड है, आप हर जगह जहां जहां पैन कार्ड चाहिए आपको वहां पे पैन नंबर कोड कर सकते हो। सिर्फ याद रखना प्लीज दूसरा नंबर ये मत लेना, आप एक ही नंबर ले सकते हो, एक ही नंबर रखना। ओके, so these are some of the FAQ which I thought which is important as per your point of view. So please, अगर आपका पैन नहीं है, क्योंकि अगर अभी हर जगह almost compulsory हो चुका है, अगर आपका पैन नहीं है तो आप पैन कार्ड ले लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग चालू कर दीजिए, because अब मैक्सिमम जगह पे आपके इनकम टैक्स रिटर्न की भी पूछे जाते हैं, जैसे बैंक लोन वगैरह अप्लाई करोगे वहाँ पे भी। होप्स आपको वीडियो पसंद आया, कहीं पर आपको कोई क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, एंड शेयर इट वीडियो मैक्सिमम फ्रेंड्स, ताकि वो भी ये नए बेनिफिट डिजिटल इंडिया का फायदा ले सकते हैं और फटाफट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।